हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैंने कुछ अमेज़न से मंगवाया है, गैस व्हाट इसके अंदर क्या हो सकता है आप गैस कीजिए। तब तक कि मैं इस बॉक्स की ओपनिंग करती हूँ और देखते हैं कि इसमें क्या है। तो मैंने बॉक्स ओपन कर लिया है और इसके अंदर है ये जिम बॉल। और ये खुला हुआ है, ये मैंने जिम बॉल मंगवाई थी। तो सबसे पहले मैं इसे निकालती हूँ, इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है। इसमें है ये पंप, और इसमें क्या है, और इसमें है एक ये नोजल हवा भरने के बाद बॉल को लॉक करने के लिए, और इसमें है ये जिमिंग बॉल। एक्चुअली इसका ना मैंने ब्लू कलर मंगाया था, लेकिन ये पिंक कलर आया है, तो कलर की गारंटी नहीं है आप क्या ऑर्डर करेंगे और क्या आएगा। और मैंने ये 65 सेंटीमीटर की मंगवाई है, तो ये देखिए इसका डायमीटर। अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा ऐसी है ये, इसलिए इसको फुलाने के बाद एक्चुअल समझ में आएगा कि कितनी बड़ी है। ये किंग लाइन ब्रांड का है जिमनास्टिक बॉल, और इसका प्राइस 599 रुपीज़ है। इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी थी, 4.3 out of 5, और इसके रिव्यू भी काफ़ी अच्छे थे, तो इसलिए इसे मैंने मंगवाया है। ये मैंने मंगवाई है स्पेशली मेरे बैक प्रॉब्लम के लिए। जो मेरा वर्किंग है वो सिटिंग है, कोविड के कारण जो सबका वर्किंग है वो घर से हो गया है, तो आपका सिटिंग आर आपका भी ज़्यादा हो सकता, आपको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि आप बजाय कंटिन्यूसली बैठने के, आप 15-20 मिनट के ऊपर ना बैठें। अगर आपका वर्किंग आवर मोर देन 8-10 आवर सिटिंग है, तो आप बीच बीच में हर 15-20 मिनट में 1-2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं, 1-2 मिनट के लिए घूमकर आएं, क्योंकि ज़्यादा देर बैठने से पूरा प्रेशर है जो हमारे बैक बोन पे आता है, जिससे हमें बैक एक की प्रॉब्लम होती है, स्लिप डिस्क, स्लिप बल्ज की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप चेयर के बजाय इस तरह की जिम बॉल प्रेफर कर सकते हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल है, काफ़ी बेनिफिशियल है। तो चलिए अब हम इसमें हवा भरते हैं और देखते हैं कि इसका साइज कैसा है, कितनी बड़ी है, और ये बैठने के लिए कितनी कंफर्टेबल है, स्किड होती है नहीं होती, इसका स्टेमिना कितना है, कितना ये वेट ले पाती है। और मैं आपको दिखाती हूँ इसमें हवा कैसे भरनी है। ये जो बॉल है, ये यहाँ से आपको इस होल से हवा भरनी है, जो पाइप का एक एंड है वो आपको इसमें अटैच करना है, इसमें अच्छे से फिट हो जाता है। ये जो दूसरा एंड है वो आपको पंप पे अटैच करना है, ये देखिए। और इस तरह से आप हाथ से या पैर से इसे प्रेस करके आप इसमें हवा भर सकते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि वो धीरे धीरे इसमें हवा भर रही है, ये देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन हाथ से बहुत टाइम लग रहा है, तो हम पैर से भी इसे इसमें प्रेशर दे सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मैं इस बॉल में हवा भर के लाती हूँ, ये देखिए इसमें थोड़ी सी भर भी रही है। तब तक के आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो वेलकम बैक टू माय वीडियो। ये देखिए जो ये हमारी जिम बॉल है वो फुलाने के बाद कितनी बड़ी हो गई है। इसका साइज है 65 सेंटीमीटर, जैसा कि आपको मैंने बताया था, और इसे फुलाने में मुझे बहुत टाइम लगा इसे हवा भरने में। और ये देखिए जो इसकी स्ट्रेंथ है वो काफ़ी अच्छी है। अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं, मैं देखती हूँ कि क्या ये मेरा वजन ले पाएगी या नहीं ले पाएगी। तो ये जिम बॉल है, अब हम इस पर इसकी टेस्टिंग करते हैं। मैं इस पर जो प्रेशर दे रही हूँ तो काफ़ी बाउंस हो रही है ये, तो देखते हैं, बैठ के देखते हैं। हाँ, वैसे बैठ गई, और ये एंटी स्किट है, स्किट भी हो रही है, और काफ़ी कंफर्टेबल है बैठने में। अगर आपको बैक की प्रॉब्लम है, जैसा कि आपको मैंने बताया था, तो अगर आपका जो वर्किंग है अगर वो सिटिंग है, तो आप इस पर बैठ के कर सकते हैं। जो आपके बैक पेन की प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। मैंने इसे स्पेशली मेरे बैक पेन के लिए मंगवाया है, तो मैं चाहती थी कि मैं इसके लिए एक वीडियो बनाऊं, और मैं आपको सजेस्ट करूं कि अगर आप बैठ के काम करते हैं, तो बजाय चेयर पे या बेड पे बैठने के, आप इस बॉल को यूज़ कर सकते हैं। और इस पर बैठने में ना काफ़ी रिलीफ फील होता है, और इतनी स्टर्डी है कि मेरा वेट नियर अबाउट 60 kg है, और आराम से मैं इस पे बैठ पा रही हूँ बिना किसी प्रॉब्लम के।
या बिना इम्बैलेंस हुए, तो इसका इस पर बैलेंस करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, और बैठने के बाद भी स्किट नहीं हो रही है, स्टेबल अपनी जगह पे स्लिप नहीं हो रही है। नहीं तो नॉर्मल जो बॉल होती है वो स्लिप हो जाती है, इम्बैलेंस होती है, बट इसका ऐसा कुछ नहीं है। इसकी स्ट्रेंथ और क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये देखिए इसका साइज भी काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।